नमस्कार। आज हम आप सभी को थोड़ा सा जो हमारा फॉडर बाजरा आता है उसके बीज में क्या फर्क है देखने में वो बताएंगे। ये है आपका मक्खन मलाई रजका बाजरी, ये आपका है ग्रीन फील्ड, ये मक्खन मलाई से थोड़ा सा बेटर क्वालिटी है। और ये है आपका डेयरी फीड, जो एडवांटा का न्यूट्री फीड आता है उस सेगमेंट में डेयरी फीड। अब इसका बीज आप थोड़ा सा देखिए, ये है आपका मक्खन मलाई। और जो सस्ते बीज आते हैं इस सेगमेंट में रजका बाजरी के, उसमें काला दाना गोल दाना मिक्स बहुत होता है, जो स्वाई माधोपुर एमपी से दाना आता है मिक्स करते हैं, इसलिए वो सस्ता होता है। इसका बीज आपको एक जैसा मिलेगा, ये देखिए आप एक जैसा मिलेगा, मेरे हाथ में देख लीजिए, ऐसा बीज आपको पैकिंग में मिलेगा। जबकि जो मिक्सिंग होता है उसमें काला और गोल दाना होता है। ये जो आपका ग्रीन फीड है इसका दाना थोड़ा सा मक्खन मलाई से मोटा आएगा, थोड़ा सा इसमें इसका दाना लंबा आता है। इसकी लंबाई है चारे की 10 से 12 फीट की आती है, और इसका जो पत्ता है वो चौड़ा आएगा मक्खन मलाई से, और ज्यादा गहरे हरे रंग का पत्ता होगा। और ये न्यूट्रीफीड एडवांटा को आप सभी जानते हैं, हाई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है, इसका दाना बाजरे जैसा गोल आएगा। तो ये तीनों में फर्क है, मक्खन मलाई जो रजका बाजरी, ग्रीन फीड जो ये भी बाजरा फाउडर बाजरा है, और ये जो डेयरी फीड है ये भी फाउडर बाजरा है। इसको नीचे एक बार और देख लीजिए, ये मक्खन मलाई, ग्रीन फीड, डेयरी फीड, तीनों के सीड आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पीछे करके तीनों को एक साथ दिखा दीजिए, और कैमरा एक बार रोकिए ताकि तीनों लोग तीनों देख पाए, तीनों में फर्क है, और पास करके तीनों तीनों दिख जाए, अंदर आ जाए फ्रेम में, और रोक दीजिए वहां पे कैमरा को।